दर्द किस रहा हुई, कोई हादसा क्या हुआ, कोई बीमार थे या क्या मैं हुआ था अच्छा, उनको? मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, मैं उनकी बात करके रो दूंगी, मैंने वो बात चल नहीं करनी। कोई बात नहीं, अब ठीक है ठीक है। निमरा, अभी जो गाना वायरल हुआ है, मैया वे, मैं गल सुन मैया वे, देखो मैंने इसीलिए बात तू सुबह दी पाक हवा वरेगा, ताड़े पिंड नु जांदी रा वरेगा, तेनु पुली भी ते खिंज सजना, तू आंदे जांदे सावरेगा, मैया वे, मैं गल सुन मैया वे। मैं ज़्यादा इंटरव्यूज में उनकी बात नहीं करती, मुझे फोन नहीं होती, मैं नहीं कर पाती। मुझे एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरे ना मेरा नाक आपने देखा होगा ना, मेरा नाक थोड़ा लंबा सा है, ये भी लोग नोट नहीं करेंगे मैं करवा रही हूँ इसको देखना। तो ऐसा था कि मुझे ना लोगों ने बोला सर्जरी करवा लो इसका तुम, बड़ा वो एक परफेक्ट एक नोज होता है वैसा। मैंने कहा ये मेरे बाबा का और मेरा सेम था डिट्टो, तो ये मुझे मेरे बाबा से मिला हुआ, तो ये तो मैं जिंदगी में कभी चेंज नहीं कराऊंगी, जो करना है ये नहीं कराऊंगी मैं। तो लोग मेरा फलाने से अफेयर निकाल रहे हैं, फलाने से अफेयर निकाल रहे हैं, फलाने से अफेयर निकाल, हाँ माजी में मेरा था लेकिन खत्म हो गया, ऐसा था। हाँ था, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म, आपने खत्म किया या उसने खत्म किया? चल मेरा पता छुट्टी का खत्म नहीं, अब अगर वो सुन रहा हो आपको कि यार क्या नहीं सुन रहे हो, मैं उनको रहा नहीं सुन रहे हो, ओके अदब से, अदब से, अदब से, इज्जत पे बात कभी नहीं। तो क्या बोलूँ उनको अभी, मैं अभी मैं कहूँगी कि आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आप हंसते मुस्कुराते रहें। नहीं मैं एक्चुअली पाकिस्तान आइडल जब गई थी तो मैं रिजेक्ट हुई थी, और उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था 4 साल का, और फिर मैंने दोबारा से एमए बस शौकिया फिर से किया था, और मुझे पता था कि मुझे सिंगिंग करनी है। मैं छोटी सी थी तब, इतनी थी मैं डिसाइड हो गई थी यार, निकाल दिया मेरे, कह रहे हैं नहीं आपने का एक्सप्रेशन आपके ज़्यादा नहीं तो ना सही है, इतनी एक्सप्रेशन के साथ वापस आऊँगी मैं टैरो करा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी। पाकिस्तान में इस वक्त टिकटॉक, फेसबुक, पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको ओपन करें, आपको एक ही आवाज़ मिलेगी, तो सुबह दी पाक हवा वर्गा, एक ऐसा गाना जो निमरा बहरा ने गाया। और आप ये नहीं जानते कि पिछले 6 साल से स्ट्रगल कर रही हैं, स्ट्रगल के पीछे कहानी है क्या, और इस स्ट्रगल के दौरान अपने वालदैन को भी खोया और अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, लेकिन आज आखिरकार 6 साल बाद पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में इनकी आवाज़ को सुना जा रहा है, और अभी हाल ही में कनाडा से आई हैं कॉन्सर्ट करके, और अब बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आ रही हैं। और मज़े की चीज़ ये, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निमरा महरा जो 6 साल पहले थी आज भी वही है, अपनी आजी में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी गैदरिंग में और अपने मिजाज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो एक गाना वायरल हो जाए तो गर्दन में सड़िया आ जाता है वो अभी तक आया नहीं है या क्या, अभी आना है बाद में? अल्लाह ना करे कभी ना आए, मैं माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह, इज्जत देने वाली खुदा की ज़ात है, कभी ना आए। मैं वैसे भी वैसे हूँ नहीं, मेरी नेचर बहुत यू नो चुलबुली टाइप और बहुत वो वाली है, तो कभी नहीं। मैं तो यार दोस्त कहते हो कि बस अब थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड ले आओ। नहीं मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दोस्त भी आप जैसे ही हैं? वो बहुत, वो कहते चिल है, रहने दे। सही है। निमरा, 2016 में किसी कंपटीशन में जाना और वहाँ पहले रिजेक्ट हो जाना, और ये पाकिस्तान में वाकई हकीम, बल्कि दुनिया भर में जो लोग रिजेक्ट होते हैं ना वो कामयाबी वही होते हैं। वो रिजेक्शन के बाद सोच लिया था कि मैं आगे बढ़ना है या बस सिंगिंग ख़त्म, ये मेरा एंड था? नहीं मैं एक्चुअली पाकिस्तान आइडल जब गई थी तो मैं रिजेक्ट हुई थी, और उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था 4 साल का, और फिर मैंने दोबारा से एमए बस शौकिया फिर से किया था, और मुझे पता था कि मुझे सिंगिंग करनी है, पर मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी उनको था कि लाइक करनी है नहीं करनी है डिसाइड कर लो तुमको, तो बस वक्त ने जो चीज़ें डिसाइड की थी, जो मेरी किस्मत ने डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती गई और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। वहाँ भेजा किसने था, किसी के पता कैसे चला कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, जाना चाहिए? मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी और वो, उसको बहुत शौक था सिंगिंग का। वो आज कहाँ पे है? मुझे कहती यार वो ना पाकिस्तान आइडल हो रहे, चलते चलते ऑडिशन दे रहे हैं। मैं कहा चल चलते हैं। अब हम वहाँ गए तो वहाँ पे बेसिकली जो ऑडिशन लोगों ने देखा है ना वो थर्ड ऑडिशन था। अच्छा। फर्स्ट और सेकंड हो चुका था, वो पास हो गया, वो पास हो चुका हुआ था। अच्छा अच्छा, जब हम पहली रूम में गए तो पहली भी रिजेक्ट हो गई है, तो मुझे कह रही है अभी ना लिस्ट निकलनी थी, उन्होंने ना दो रोज बनाई कि ये जिनके हम नाम ले रहे हैं वो इधर हो जाए, जिनके हम नाम ले रहे हैं वो इधर हो जाए, तो वो इस साइड पर मुझे कह रही है मैं सिलेक्ट हो गई तो तू घर जाएगी। मैं कहा हाँ यार हो सकता है।
और जब उन्होंने नाम लिए तो वो साइड पे आ गए। मैं कहा मैं इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, बदतमीज औरत ये होता होता है। मैं तो रो रही कहती यार पहले भी निकाल दिया, मैं कहा तुझे ही शौक चढ़ा हुआ था जाने का। तो वो भी एक फनी था हमारे लिए, पर मजे का था। इस 4 साल के दौरान क्यों नहीं सोचा कि मैं दोबारा सिंगिंग की तरफ आऊँ, या मतलब कि हर्ट हो गई थी? मैं छोटी सी थी तब, इतनी सी थी, मैं डिसाइड हो गई थी यार निकाल दिया। मेरे कह रहे हैं नहीं आपने का एक्सप्रेशन आपके ज़्यादा नहीं तो ना सही है, इतनी एक्सप्रेशन के साथ वापस आऊँगी मैं टैरो कर। निमरा वालदेन ने हर तरफ सपोर्ट किया कि शायद किसी मोड़ पे आके कहो कि बस करो, हम जो हम चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, लेकिन नहीं करो, छोड़ दो। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं इसमें हमेशा चाहूँगी कि जब भी कोई मेरे पेरेंट्स का नाम ले हमेशा उनके लिए दुआ करें और अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने वो एक ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने यू नो कभी भी कहीं भी मुझे नहीं बोला कि तुम अभी ये करो। मेरे पापा की कुछ ऐसी चीज़ें थी जब मैं फील्ड में आ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ ये 3-4 चीज़ें हैं ये मत करना, ये मेरी ये मैं चाहता हूँ कि ये तुम मत करो, इसके अलावा तुम्हें काम करना है, तुम्हें सिंगिंग करनी है, तुम्हें वो तुम कर सकती हो। तो मैंने उस चीज़ का आज भी मान रखा है और मैं इस चीज़ पर मुझे यू नो है कि अल्लाह बस इस चीज़ को कायम रखे, इज्जतें कायम रखे बस। वरना मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हमेशा रहे थे। कोई हादसा क्या हुआ, कोई बीमार थे या क्या हुआ था उनको? अच्छा मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, मैं उनकी बात करके रो दूँगी, मैंने वो बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, अब ठीक है ठीक है। निमरा अभी जो गाना वायरल हुआ है अल्लाह ताला वो बात, कुछ बातें मैं ज़्यादा इंटरव्यूज में उनकी बात नहीं करती, मुझे फोन नहीं होती, मैं नहीं कर पाती। अल्लाह ताला सब्र दे, सब्र दे। मेरी मेड ने भी कह रहा आप ही कभी नहीं रोंदी, आप ही तो क्यों होया ये तो रुलाती है लोगों को, आप ही नहीं रोती। ये कुछ टची पॉइंट्स होते हैं ना मुझे होता है, बस इस बारे में नहीं बात करें, इसके अलावा सारी बातें कर लें, वो नहीं करें। लेकिन आप ये कहती हैं कि लोगों ने कभी पूछा भी नहीं मुझसे इस बारे में, लेकिन मैं डिस्कस भी नहीं करती। मैं कहती हूँ कि यार मतलब पूछना है ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा उस में नहीं डीपली नहीं जाना नहीं जाना चाहती, मुझसे नहीं हो पाती बात। तो मैं कहती हूँ यार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या मैं खुद से बता नहीं पाती हूँ, तो मैं कभी मैं बस ये चाहती हूँ कि बस हर बंदा जब भी मैं जिक्र करूँ या कोई भी करे तो बस वो मेरे पेरेंट्स के लिए सिर्फ दुआ करें, वो इतने अच्छे अल्लाह दर्जात बुलंद करें उनके। बिल्कुल सही है। निमरा नाम निमरा मेहरा, ये मेहरा भी अब लास्ट इंटरव्यू में हुआ था, मैं सारा था मैं भी डिस्कस करूँ। मेहरा सर्च किया तो मेहरा कहीं नहीं आ रहा था और रख भी लिया। आईडी कार्ड भी मेहरा है या आईडी कार्ड पे कुछ और है? नहीं नहीं आईडी कार्ड पे मेरा नाम निमरा शब्बीर है। अच्छा, मेरे बाबा के नाम पे है और मैं उसको कभी चेंज नहीं करना चाहती आंटी, अनलेस मेरी शादी ना हो जाए उसके बाद बंदा हजूर बोले जब उसको चेंज करना पड़ेगा ना फिर क्या वो गुस्सा कर जाएगा तो फिर करूँगी, वरना मेरे आईडी कार्ड पे मेरा नाम निमरा शब्बीर है और क्योंकि मेरे बाबा का नाम है मैं बहुत मैं उसको चेंज नहीं करवाना चाहती। मुझे बहुत लोगों ने बोला कर लो मुझे नहीं करवाना, मुझे पसंद है। मुझे एक मजे की बात बताती हूँ, मेरे ना मेरा नाक आपने देखा होगा ना मेरा नाक थोड़ा लंबा सा है, ये भी लोग नोट नहीं करेंगे मैं करवा रही हूँ इसको देखना तो ऐसा था कि मुझे ना लोगों ने बोला सर्जरी करवा लो इसका तुम। अच्छा। बड़ा वो एक परफेक्ट एक नोज होता है वैसा, मैंने कहा ये मेरे बाबा का और मेरा सेम था डिट्टो, तो ये मुझे मेरे बाबा से मिला हुआ, तो ये तो मैं जिंदगी में कभी चेंज नहीं कराऊंगी, जो करना ये नहीं कराऊंगी मैं। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है तुम्हें करवा लेना चाहिए नाक थोड़ा सा ऐसे वैसे, मैंने कहा मुझे करवाना ही नहीं है, मैं खुश हूँ यार, तुम लोगों को क्या मसला है, मुझे नहीं करवाना है, मेरे बाबा की पहचान है उनको, मतलब मुझे लोग कहते थे तुम अपने बाबा जैसी दिखती हो तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती थी हमेशा, और अब मुझे कही गया तुम ये थोड़ा सा करवा लो फेस फीचर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं अच्छे लगे, तो नहीं करवाना मैंने, मुँह पर बता रही हूँ नहीं करवाना अब ना कहना मुझे। अच्छा निमरा वायरल होने के बाद पैसा पैसा भी आ गया सब कुछ हो गया, अपने लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीली आई? निकलना होता है ना जब कोई इंसान बड़ा है, कोई मारूफ कोई सिंगर बन जाता है, अपने साथ अपने कोई मैनेजर एक प्रॉपर टीम बन जाती है, या आज भी वही निमरा मेहरा घर से निकलती है स्टूडियो जाती है या गाना गा के दोबारा वापस? अच्छा मेरा कोई सिस्टम नहीं है, एक तो मैं यू नो मुझसे तैयार नहीं होकर आ जाता, मैं बड़ी बेकार बनती हूँ इस मामले में, मुझे कभी कोई अचानक मिलेगा ना तो मैंने बस ऐसे मतलब जुड़ा बुड़ा किया होगा और एक नाइट सूट पहना होगा या कोई ट्राउजर शर्ट पहना होगा, दैट्स इट। और मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो अभी मेरे दोस्तों ने या मेरी मैनेजमेंट टीम जो है उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा यू नो अभी खुद को रखो, कहीं मिल जाते हैं लोग अच्छा नहीं लगता,
अभी आके मुझे थोड़ा करना पड़ता है, वरना जब आप लोग भी आए थे तो मैं ऐसी हालत में थी, आपको पता है। तो मेरे वो जो होता है ना ऐसे एक गर्लिश थिंग होती है कि आपको रेडी रहना है आपको ना, मेरी मामा को बहुत शौक था कि तुम तैयार हो कर आ करो, एक एक की मेरी बेटी है तुम भी नहीं रेडी होकर रहती, तो मैं नहीं रहती थी, मैं बहुत लौंडों की तरह जैकेट पहन लिया है वो वाला सिस्टम। तो ये मेरे में कुछ नहीं है ऐसा, जीरो जीरो एटीट्यूड है, आप आए मुझसे आके मिले मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा ना, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है जीरो खत्म। नहीं मेरा थोड़ा पर्सनल सवाल है। अच्छा। अगर, क्योंकि मैं लास्ट इंटरव्यू में सुन चुका हूँ, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। आपने आपने जिक्र किया कि मैं नहीं चाहती कि मैं जरा और मशहूर हूँ तो लोग मेरा फलाने से अफेयर निकाल रहे हैं, फलाने से अफेयर निकाल रहे हैं, फलाने से अफेयर निकाल। हाँ माजी में मेरा था लेकिन खत्म हो गया, ऐसा था। हाँ था, खत्म हो गया। खत्म हो गया, खत्म। आपने खत्म किया या उसने खत्म किया? चल मेरा पता छुट्टी का खत्म नहीं, नहीं। अगर वो सुन रहा हो आपको कि यार क्या नहीं सुन रहे हो, मैं उनको रहा नहीं सुन रहे हो। ओके, अदब से, अदब से, अदब से, इज्जत पे बात कभी नहीं। तो क्या बोलूँ उनको भी मैं, अभी मैं कहूँगी कि आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आप हंसते मुस्कुराते रहें, बस रहें। मतलब निम्रा शादी का फिलहाल कोई प्लान नहीं है यार? है, क्यों नहीं है, करनी है क्यों नहीं करनी। ये है कि अच्छा मेरे बाबा आज जिंदा होते ना तो ये दिसंबर में मेरी शादी होती है, ये जो अगला महीना। हाँ, ये अगला महीना आ रहा था, तो वो उनको बहुत होता था कि बस अभी मैं ये रिश्ता लेके आ रहा हूँ, अभी इसको पसंद, वो हर टाइम उनको होता था कि अभी ये एक फैमिली है, ये इस तरह से है, तुम देख लो। और हमारे बाबा ने हमें बोला हुआ था कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव। मैं कह रही हूँ ना दुनिया में ऐसे पेरेंट्स कहीं नहीं होंगे जैसे हमारे थे। सही। तो उन्होंने बस ये था कि वो चाहते थे कि मैं कर लूँ अभी कोई अच्छा रिश्ता, अब नीचे ये ना कह देना हम हैं अच्छे। मेरा क्वालिटीज कुछ बताना चाहेंगी के होने चाहिए मेरे होने वाले हस्बैंड में? बस अच्छा हो यार, मतलब यू नो केयरिंग हो, एहसास करने वाला हो, बस खत्म। मैंने बताया पहले भी कि ना एहसास करने वाला हो, सिर्फ एहसास, इसके बाद कुछ नहीं है, सब पैसा हम मिलके कमा लेंगे। गाड़ी हो, GMC हो, बंगला हो, मेरे को लाया यार चाट पर एडी की गल है वो मसला नहीं है। ऑफ कोर्स आपके पास भी हो तो शोके भी नहीं होना, इजी हो जाओ। अच्छा बस वेल एजुकेटेड हो, एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि उसके पास डिग्री हो, उसके पास समझ हो। सही है, डिग्री नहीं चाहिए भाई आपकी, समझ चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत बदतमीज और बहुत यू नो अजीब देखा है। बिल्कुल सही है। तो समझदार हो, जिंदगी को समझने वाला हो, इंसान को समझने वाला हो, एहसास को समझने वाला हो, बस ये चाहिए और तो कुछ नहीं। आखिर में गाना सुना देना, गाने को सुने बगैर तो नहीं ना, कोई बात नहीं, आवाज तो इस वक्त भारी है, इसके बगैर है कि ना इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। अच्छा, सुबह हवा माया वे, वे गल सुन माया वे, माया वे, वे गल सुन माया वे, तू सुबह दी पाक हवा वरेगा, साढ़े पिंड नू जांदी रा वरेगा, तेनु पुलिये भी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरेगा, माया वे, वे गल सुन माया वे, माया वे, वे गल सुन माया वे। बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में सिर्फ बता दें, इस वक्त सिंपल आम से कॉन्सर्ट का भी कितना चार्ज कर रही है इंडर, मतलब कि कोई अगर हो सकता है कोई कहे भाई हमने निम्रा मेहरा को बुलाना है, आपको कोई कहे तो उनको मेरे मैनेजर का नंबर दे ले अगर कोई ज्यादा, अगर आप मिसाल के तौर पे कहे भाई मैं 20 लाख रुपए लूंगी, अगले बंदे का रिएक्शन अगर ऐसा हो कि यार ये भी इतने बड़े, फिर किसको क्या जवाब? तो बहुत कर रहे हैं ऐसे, मैं कुछ भी बोलूं तो कहते हैं अच्छा ऐसे, तो ठीक है, अच्छा एक हैंडसम अमाउंट है। आप लोग यू नो जिन्होंने कॉन्सर्ट्स करवाने होते हैं, जिन्होंने करवाने होते हैं, बिजनेस क्लास टिकट होनी चाहिए, बिजनेस क्लास। हाँ ये तो वैसे भी यार ये तो एक कंपल्सरी सी चीज है, ये तो कंफर्ट है यार बंदे का, ये राइट है। तो बस आप अच्छे पैसे जिंदगी में कमाएं और फिर हमें भी दें, खत्म। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया लेजी निम्रा मेहरा का, आपने इंटरव्यू देखा और बड़ा मजा इनसे बात करके आपका, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।